बिहार में ट्रैफिक में तैनात महिला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब महिलाओं पुलिसकर्मियों को शौचालय के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको बता दें कि डाक बंगला चौराहा हो या तारा मंडल चौराहा हो या कोतवाली चौराहा या हड़ताली मोड़ चौराहा, कहीं भी महिला पुलिसकर्मी के लिए शौचालय की सुविधा नहीं दी गई है। अब बिहार पुलिस मुख्यालय ट्रैफिक में तैनात महिला पुलिसकर्मियों के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने जा रही है। ट्रैफिक में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की चेक पोस्ट लगभग 8 घंटे तैनाती रहती है। इस दौरान उन्हें टॉयलेट के लिए चेक पोस्ट से सटे आसपास के भवन अथवा दुकान में जाना पड़ता है। इसके बावजूद शहर के किसी भी चेक पोस्ट में उनके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। गौरतलब है कि 16 नवंबर को बिहार सरकार द्वारा सभी नवयुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से टॉयलेट की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस मुख्यालय जल्द करोड़ों की बजट से अब महिला पुलिसकर्मियों के लिए मोबाइल टॉयलेट की सुविधा की व्यवस्था कराएगी, जिसे चेक पोस्ट पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान कई महिला पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जिन्हें टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने डिप्टी सीएम से जो मांग की वह पूरा हो गया है और करोड़ों के बजट से अब महिला पुलिसकर्मियों के लिए टॉयलेट बनवाया जाएगा।